एंटी चाइना सेंटीमेंट की वजह से इन दिनों भारत में कई जगह चीनी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है, इसलिए उन पर इसका असर पड़ सकता है। चीनी स्मार्टफोन मेकर शाओमी भारत में नंबर वन है। अब कंपनी ने ज़्यादातर शहरों में डैमेज से बचने के लिए अपने स्टोर्स के आगे मेड इन इंडिया के लोगो लगाने शुरू कर दिए हैं। अब कंपनी अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर मेड इन इंडिया के पोस्टर लगा रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने शॉप फ्लोर प्रमोटर से शाओमी का यूनिफॉर्म ना पहनने को कहा है। दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई, पटना, आगरा और पुणे जैसे शहरों के शाओमी स्टोर्स को मेड इन इंडिया लोगों से कवर कर दिया गया है। ऑल इन इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शाओमी, ओपी, वीवो, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, लेनोवो, मोटो और हुआवे को लेटर लिखा है। गौरतलब है कि कई जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ और तालाबंदी भी देखने को मिली है। इस लेटर में रिटेलर्स को एंटी चाइना सेंटीमेंट के दौरान फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए कुछ महीने तक के लिए अपने ब्रांड लोगों को रिकवर करने के लिए कहा गया है।